दोस्तों आज हम बात करेंगे आई बैंक डेबिट कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं दोस्तों अगर आप आई बैंक के कस्टमर है एंड न्यू डेबिट कार्ड लिया है तो उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करना होगा क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजेक्शन ऑफ होते हैं अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल नहीं करेंगे तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा जब आप इस कार्ड के थ्रू कोई भी पेमेंट करेंगे दोस्तों आई बैंक आई मोबाइल पे एंड आई बैंक नेट बैंकिंग के जरिए ये दोनों ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं तो चलिए जानते आई सी आई बैंक आई मोबाइल पे के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं दोस्तों पहले आई सी आई सी बैंक आई मोबाइल पे आपको ओपन कीजिए देन होम स्क्रीन के नीचे सर्विस का एक ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए देन यहाँ पे कार सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए देन कार सर्विस के अंडर मोडिफाइड डेबिट कार्ड लिमिट का एक ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए देन यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंड डेबिट कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हैं एक है डोमेस्टिक एंड दूसरा है इंटरनेशनल डोमेस्टिक मीन्स इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल मीन्स इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन पहले ए टी एंड मारचेंट आउटलेट ऑप्शन को ऑन कर दीजिए अगर ऑफ है तो ये नीचे ऑनलाइन का एक ऑप्शन है इसको भी ऑन कर आँगर दीजिए ऑन करने के बाद आप सभी ऑनलाइन पेमेंट इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप अपने यूज़ के हिसाब से एक न्यू लिमिट को भी सेट कर सकते हो लेकिन कार्ड की जितना मैक्सिमम लिमिट है उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं देन साइड में इंटरनेशनल का एक ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन ऑफ है अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जैसे अब्रॉड ए टी एम आउटलेट एंड ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कोई भी लिमिट को सेट कर सकते हो अभी सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए सबमिट करने के बाद जो भी चेंज किया था वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा एंड आप सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों इस तरह आप आई बैंक के डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग।